इमाम हुसैन ने अपना सर दिया नमाज में, हजरत अली की शहादत हुई नमाज में। तो नमाज से ऊपर पहले कोई चीज नहीं है, पहले नमाज पे दूसरे काम। कह सकती तो ये अभी देखें, पाँव पे छालों का भी हाल है, हालांकि आई एम वेयरिंग बैलेंस यार। इसलिए चिकन लगा हुआ है, कितने कितने बड़े शोर में लगे हुए हैं यार, वाह वाह वाह। सलाई से काम तो वो भी है फिर से बिल्ला, जो उनकी पार्टिसिपेशन हो पा रही है वो अपनी पार्टिसिपेशन ये कर रहे हैं। तो यार हैट्स ऑफ टू यू गाइस। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। माजरत चाहता हूँ थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी एक्सट्रीम थी। सुबह 6-7 बजे हम लोग मौकब में आए। मौकब का मैंने आपको बता दिया था कि मौकब एक्चुअली होती क्या चीज़ है। बड़ा अच्छा था, इंडियन मौकब था, अंदर बड़ी अच्छी हमें अकोमोडेट की। मसलन दूसरे मौकब में आपको दिखाऊँ ना कि किस तरह लोग बिल्कुल ही बेचारे बेहाल हो और दरगार सोए थे, लेकिन हम लोग अच्छा सोए। शाम का इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि गर्मी यहाँ पे 50+ सेंटीग्रेड होता दिन में, अभी शाम हुई है। तो क्योंकि हमारी मशी वॉक है आज भी, हमने 300 पोल्स का हमने टारगेट आज भी रखा है। अभी मैं वो लगा दूंगा। तो सुबह उठ के हमने नाश्ता किया, नाश्ते के टाइम ब्रेकफास्ट का पूरा एक बैग तब नहीं उठे जो लंच करने के लिए उठे थे हम लोग, वो मैं आपको थोड़े क्लिप्स दिखा दूंगा और यहाँ का सारा इंतजाम। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी फरहान अली वारिस की वो भी अंदर नोहा खानी भी और मजलिस भी चली है, थोड़े शॉर्ट में उसके भी डाल दूंगा आप लोगों को। तो चलें शुरू करते हैं अपना सफर इश्क आज फिर से। चलिए फरहान अली वारिस इस टाइम नोहा खानी कर रहा है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। माइक का थोड़ा इशू हुआ पड़ा उनका, तो फरहान अली वारिस की मैं दिखाता हूँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि रश काफी हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी मशी पे हम दोबारा गामजन हो गए। 327 से हम आगे निकले हैं। मौकब में हमने रात गुजारी, मौकब के जो इंतजाम थे वो बेहतरीन थे, मैं बता नहीं सकता कि क्या उन्होंने खिदमत की। और वो इंडियन मौकब का आप शान भाई कुछ बता रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये बेसिकली ये मौकब जिसका था 327, इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो इंडिया से बिलोंग थे। हम लोग जब रात को यहाँ आए हैं रुकने के लिए, तो उस बंदे ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन आए या कोई पाकिस्तानी आए, तो उसने कोई एतराज नहीं किया। उसने सिर्फ यही देखा कि ये हुसैन इब्ने अली के मेहमान है और सब सब के लिए सब मेरे लिए बिल्कुल इक्वालिटी थी। को होता ना कि इंडियन प्रेफरेंस ज्यादा, इंडियन मौकब था। और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह वो खाना इतने मसलन रास्ते में मिशी हम कर रहे हैं यानी रोड सारा, और यहाँ पे मौकब होते हैं यानी जो फिस सबिल्लाह लोगों की हेल्प कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये करें। हमजा भाई ने उनकी मैनेजमेंट से बात की तो हमें पता चला कि डेली अप्रोक्सीमेटली कुछ 5000 पीपल यहाँ आते हैं, अकोमोडेट करते हैं, खाना खिलाते हैं और साफ सुथरा टॉयलेट। टॉयलेट में जब गए ना सुबह, वो टॉयलेट का मैंने कहा ब्लॉग क्या बनाओ, उन्होंने छोटी कोलगेट ब्रश, छोटे छोटे शासे में शैम्पू। और मैं होटल्स के टॉयलेट में गाँव बैंड बजी हुई है, तो ये मौकब जहाँ पे 5000 बंदा आ रहा है, इतनी नीटनेस, इतनी क्लीन लाइन पर डे आ रहा है। और वो हाँ उनको ये क्या बात खाना दे रहे हैं 3 टाइम और उसको रिहाइश दे रहे हैं, अकोमोडेट हाँ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके। और अल्लाह भाई जिसका जो भी इसको वो कर रहा है ना पीछे से वो ऑन कर रहा है, ऑन कर रहा है, क्या बात के लिए पूरी दिल से दुआ है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में कारोबार में
और उसके उसको जजा दे दी ताकि आगे और एक्सपेंड कर सके। और फरहान अली वारिस का मैं आपको सुना था, वो जितना भी आया कुछ बाद में उसका माइक खराब हो गया था, तो उसकी वजह से वो थोड़ी आवाज आपको नहीं आ सकी होगी। मेरा नहीं खराब हुआ, उधर से कोई टेक्निकल इशू आ रहा था। तो हमने शुरू कर दी है मशी दोबारा। आज हमारी कोशिश है कि हम करीबन 300 प्लस या 400 प्लस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें साथ साथ आपको दिखाते रहते हैं, खिदमतों का सिलसिला फिर से वैसे ही शुरू हो जाएगा। अभी सिलसिला फिर से जारी हो गया, लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि अभी हम चाय वाय पी के थोड़ी देर पहले उठेंगे और फिर वो खिदमतें मशी और सारा सफर इश्क हमारा शुरू हो गया है। क्या देखते हैं और आपको दिखाते हैं सारा आगे आगे जैसे जैसे चलता रहूंगा। और साथ मशी के साथ साथ नमाज भी चल रही है, ठीक है, क्योंकि नमाज सबसे पहले इमाम हुसैन ने अपना सर दिया नमाज में, हजरत अली की शहादत हुई नमाज में, तो नमाज से ऊपर पहले कोई चीज नहीं है, पहले नमाज पे दूसरे काम। तो नमाज भी साथ साथ ही चल रही है। आपने लास्ट वाले ब्लॉग में भी देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रम में जाके भी पढ़ी, तो कोशिश यही है कि हो जाए। अभी थोड़े वजू वगैरह कपड़े के थोड़े यू नो टॉयलेट वॉलेट ऐसा यूज करते कि उसके बाद से नहीं पड़ी, इंशाल्लाह जाके चेंज करके हम लोग बाकायदगी से पड़े। रास्ते में गुजरे तो मौका पर कितना अच्छा है, देखें मौला अली के सारा बनाया हुआ। अब रास्ते में जो जो डिटेल्स आएंगे मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वैसे ही आपको दिखाता रहूं साथ साथ, क्योंकि अभी हमें करीबन डेढ़ दिन और लग रहा है करबला मोहल्ला पहुंचने में। माशाल्लाह रौनकें लगी हुई है, दस्तरखान बिछे हुए हैं, ज़ायरीन जा रहे हैं करबला मोहल्ला इश्क हुसैन में। और ये वन टाइम एक्सपीरियंस इन लाइफ है, मैजिकल एक्सपीरियंस। अभी रास्ते में हम ये भी एक मौके पे हैं जो कि बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, बड़ा अच्छा। मुझे पता नहीं क्या यहाँ पे पानी के कूलर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे कोई न्याज, अच्छा मेरे ख्याल से न्याज आ रही है, न्याज भी आ रही है, कर नहीं जाते ये बेहतर लग रहा है। न्याज भी हैवी है, उसको बुला दूँ ये देखे जी। माशाल्लाह ये भी है, तमाम है पूरे पानी के कूलर्स लगे हुए हैं, न्याज अंदर बन रही है और ये बड़ी मजे की जगह की वाइब आ गई है। देखें यार माशाल्लाह हर दिन कुछ ना कुछ, हर मोड पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। पूरा सैलड देखें किस तरह ने दिया, और ये देखें सैलड दे रहे हैं और कितने तरतीब से ला रहे हैं, और प्लेट में दिखाया गया ये उन्होंने कबाब प्राइस एंड साथ देती, और इतनी इज्जत और एहतमाम से कुर्सियों पर बिठा के विद प्रोटोकॉल वो आपको न्याज खिला रहे हैं। सुबह हम लोग निकल रहे, हमने खाया नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा था कि ये भी देखें क्या लेवल का है। हमें जगह ही नहीं मिली, ये एक बताएं आप, बाकी हमें जगह भी नहीं मिली और हम थोड़ा वेट करते तो हमें जगह मिल जानी थी, लेकिन हम निकल रहे, हमने कहा निकले जितना एज मच एज आगे जाके देखते, लेकिन बड़ा अच्छा है तमाम का लेवल का, बहुत अच्छा। करवा सकते हैं उनके चाहने वाले, करवा सकते हैं, क्या बात है यार। मैं तो जा रहे हैं पिकल्स किस तादाद में जा रहे हैं, और जो थकावट हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चल रहे हैं, करीबन 10-15 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है मेरा। लेकिन ये जो सारी चीजें और जो इश्क और ये सफर इश्क में जो लोगों का इश्क देख रहा टूवर्ड जैले बैक और ये सारा क्या बताऊ, उसको देख के तो वो सारी थकावट फसाद विचार हो जाता हूँ अल्लाह की तरफ। वाह यार दिल खुश कर दिया लोगों ने। देखे जो यहाँ के लोकल दर्जी है उन्होंने अपनी मशीनें लगाई हुई है कि लोगों को अगर किसी का कोई सूट फट जाए कुछ कुछ किसी भी रिलेटेड सिलाई से काम, तो वो भी फिस्सबिलिल्लाह जो उनकी पार्टिसिपेशन हो पा रही है वो अपनी पार्टिसिपेशन ये कर रहे हैं। तो यार हैट्स ऑफ टू यू गाइस, क्या बात है, वाह वाह, मतलब जिसका जो हो रहा है ना वो कर रहा है। तो अभी ये आइस कॉफी के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सफर खाते पीते ही हो रहा है। आप अभी मैंने कोई लास्ट कोई 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं किया तो मेरी एनर्जी फुली ड्रेन होगी नहीं, तो जैसे जैसे खा पी रहे हैं तो दोबारा चलने की हिम्मत दोबारा आ रही है, क्यों भाई ऐसे ही है ना यार, क्योंकि ये वाकई मुझे समझ आई कि इतना एक तो लगा माशाल्लाह जिस तरह वो दे रहे हैं, और ये सिर्फ
खैर अल्लाह कबूल करे यार सबके, जितना भी जो जो कर रहा है कमाल हो रहा है भाई। स्टारबक्स की ऐसी की तैसी ऐसी कॉफी मिली है, आइस कॉफी और फुली बज वाली आइस कॉफी, और मजा आ गया पी के ना दोबारा। जो मैं लो हो गया था ना, मैं थोड़ा बाकी अभी मेरी एनर्जी ड्रेन्ड हो गई थी, बट ये थोड़ा बहुत कुछ खाया और कॉफी शॉफी पी है तो थोड़ा नॉर्मल आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर चल चुके हैं अभी अभी आज के दिन में। कल वाला तो जो था वो तो था, और अभी हमने मजीद 10 किलोमीटर करीबन चलना है, उसके बाद हम रुकेंगे। मैं इतनी मजे मजे की चीजें आ रही है दिखाने वाली भी कि मुझे दोबारा माइक ऑन करना पड़ा कि देखें कितना खूबसूरत ये देखें रास्ते में उन्होंने बनाया हुआ है, एक शबी रोजे की बनाई हुई है, विच लुक्स वेरी गुड यार, वेरी एक्सट्रीमली गुड। और अभी इतनी कमाल की कोल्ड कॉफी रास्ते में न्याज पी है कि वो स्टारबक्स से जो मैंने दुबई एयरपोर्ट से पी थी ना, उससे ज्यादा मजे की कोल्ड कॉफी थी। वो परफ्यूम लगा रहे हैं जो मसलन का परफ्यूम का काम होगा तो परफ्यूम ऐसा न्याज लगा रहे हैं लोगों को, हैट्स ऑफ यार इन लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह जी 600 फोल्स हमने क्रॉस कर लिए, 1475 या 82 में से हमने 600 कर लिए और हमने आज 800 कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ बड़ा बेहतरीन था कुछ, लेकिन जाहिर है इंसान है, जैसे यू नो ह्यूमन बॉडी इतनी नहीं एक्सर्जन कर सकती, तो ये अभी देखें पाँव पे छालों का भी हाल है, हालांकि आई एम वेयरिंग बैलेंसियागा प्लस 12 की सॉक्स बड़ी टावल वाली, बट स्टिल ये हाल हुआ, ये देखें छाले ये बट कोई नहीं, इंशाल्लाह हमारी सबकी हाजिरी कबूल करे, जितने भी लोग ये यहाँ पे मशी करें। देखें वहाँ पे चल रहा है सिस्टम, लोग नहीं रुके, हम तो अपना अपना रेस्ट करें, हजारों की तादाद में लोग गुजरी जा रहे हैं और वो चल रहा है, और अल्लाह सबकी कबूल करे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल, मैं तो जूते पहन के बड़े कम्फर्टेबल शूज सॉक्स पहन के कर रहा हूँ, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पाँव से नंगे कर रहे हैं, मैं उनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ कि वाह यार अल्लाह खूब है ना। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी, पूरा करेंगे इसको इंशाल्लाह, एंड तक करेंगे। A few moments later. अच्छा जी एक और मजे की चीज स्पॉट हुई है, आइसक्रीम, और लाइनों में लोग लगे हुए हैं और ऐसे दो सेकंड में बारी आ रही है आपकी, ठीक है, और अब देखते हैं, देखने में तो लुक्स वेरी टेम्पटिंग। अल्लाह मोहम्मद और दिखाने और बताने का मकसद यही है कि सफर इश्क यही है, एक सफर इश्क जो वहां से आया, दूसरा सफर इश्क जो ये लोग कर रहे हैं और वहां जा रहे हैं, तो यही दिस इज ऑल अबाउट सफर इश्क। जजाक अल्लाह, वाह जी वाह, देखे कितनी अच्छी क्वालिटी की नियाज में आइसक्रीम मिली है यार, वाह यार वाह वाह वाह। अभी ब्रांड है बल्कि ये जो भी ब्रांड है ये, और ये है मेरे हुसैन को और अहले बैत को मानने वाले लोग, तो किस तरह लाखों लोगों को वो लोग खिला रहे हैं। अच्छा मैंने ऑब्जर्व किया कि हम लोग ना अभी 5-6 किलोमीटर चले, हम लोगों की ना एनर्जी लेवल लो हो गया था क्योंकि हम कुछ खा नहीं रहे थे, जैसे थोड़ा थोड़ा कुछ खाना शुरू किया वापस वो चलने की एक हिम्मत आ गई दोबारा। ऑनेस्टली यार सुपर है, अच्छी है। तो जी इश्क का सफर जारी और जारी, और सारे सब लोगों की शे मंजिले मकसूद जो है वो करबला मौला ही है, सब लोग करबला मौला के लिए बेताब जाए जा रहे हैं दीवाने, लाखों की तादाद में बिल्कुल मैं एविडेंस हूँ इस चीज़ का, बल्कि आप लोग अगर ब्लॉग में ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मेरे पीछे और मेरे आगे लोगों का हजूम है लिटरली। A few moments later. सुबह के 5 बज गए हैं और हम लोग शाम 6 बजे से स्टिल निकले हुए हैं, दूसरा दिन मशी का हमारा जो कि हम निकले हुए हैं, और अभी हम ये देख के ना बड़ी खुशी हुई कि हम देखें करबला के ये करबला की चेक पोस्ट पे आ गए हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कि ये द होली करबला प्रोविंस, यहाँ से अब करबला की हदूद स्टार्ट हो गई है, जो कि
हम ऑलमोस्ट 700 पोल्स क्रॉस कर चुके हैं, यू कैन से द मिड ऑफ द जितने मतलब 1400 समथिंग है, और हमने आधे कर लिए। ये देखें बिकरला होली प्रोविंस, और सुबह के हो गए हैं 5, अभी हम 1 घंटा और करेंगे मशी, और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे और सो जाएंगे, और मैं सारी ट्रेन आगे आपको बता देंगे। पूरी चेक पोस्ट आ गई है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा जो हमारा रास्ता मुसाफर थी वो हमने तय कर ली। तो चेक पोस्ट के यहाँ पे हम लोग चेक करवा रहे हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह, कर्बला की हदूद में दाखिल हो गए हम लोग। A few moments later, 700 प्लस हमने पोल्स क्रॉस कर लिए हैं। जिशान भाई है हमारे साथ, वो थोड़े से जरा इंजर्ड हो गए, उनको थोड़ा छाले वाले निकले हैं, तो थक गए हैं भाई, हौसला रखे। 700 प्लस पोल्स किए कि छोटी बात नहीं है, हिम्मत ना आ रहे। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई अच्छा मौका मिले जहाँ पे हम लोग आराम कर सकें। A few moments later. तो व्लॉग अब मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको लगा होगा अच्छा, और ये इसमें कोई ना अच्छे लगने वाली बात ही नहीं, क्योंकि ये सफर इश्क है, और हम जो बिल्कुल रॉ चलते फिरते आपको दिखा रहे हैं, ना इसमें मैं कुछ स्क्रिप्ट प्लान कर रहा हूँ, ना इसमें कुछ प्लान कर रहा हूँ, जो हमारी नेचुरल हालत है। पर एक ये छाला देखें, एक ये छाला है, एक ये छाला है, एक इधर छाला है, ठीक है। और क्योंकि हम थ्रू आउट गामजन है, कपड़े भी वही पहने हुए हैं, शावर भी नहीं लिया हुआ, अल्लाह कबूल करे हम सब का जितने भी। और ये देखें हम लोग किस तरह सोए हुए हैं, कल वाला मौके तो बहुत अच्छा था, बट आज नॉर्मल है, फैंस में गर्मी 50 डिग्री है, बट जो हमारा इश्क है अंदर, और ये इश्क के सफ़र इसलिए कहलाता है कि जो खूब है, जो एक अकीदत है हमने इमाम हुसैन के पूरा करना है। हम लोग जहाँ से टैक्सी लेके वापस भी जा सकते हैं, टैक्सी लेके आगे भी जा सकते हैं, इट्स वेरी शॉर्ट, बट अब आधा कर लिया, 700 प्लस पोल्स आगे, तो पीछे आधा रह गया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। और आपको पता है कि बड़ी मेहनत होती है व्लॉग बनाने में, और प्लस उसको एडिट करने में, और एडिट ऐसी जगह पर जब आप निकले हो अपने रिलीजियस ट्रिप पे, और रात को थकावट भी, हम 12 घंटे प्लस से चल रहे हैं, और रात को हम एडिट करके सोएंगे, तो यार व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना नहीं भूलना आपने इंशाल्लाह। कल मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। अभी